नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज के एक और खास खबर में। यूपीएससी के रिजल्ट घोषित हो गए हैं। ऐसे में उत्तराखंड की रहने वाली नीति अग्रवाल ने यूपीएससी में 383वीं रैंक हासिल करते हुए पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। दरअसल साल 2021 में नीति अग्रवाल अंतिम चरण इंटरव्यू तक पहुंची थी, सिर्फ एक अंक से रहने के कारण वो फाइनल चयन से चूक गई। दरअसल तीर्थ नगरी ऋषिकेश की बेटी नीति अग्रवाल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है और इस सफलता से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि यूपीएससी परीक्षा की सफलता के मौके पर परिवार के सदस्य काफी उत्साहित हैं, साथ ही रिजल्ट घोषणा के बाद उनके घर में रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भीड़ जुटी हुई है। साथ ही सभी लोग नीति को बधाई देने उनके घर आ रहे हैं और घर में ढोल बाजे के साथ जश्न मनाया जा रहा है। इस दौरान नीति ने सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ मेंटली रूप से प्रिपेयर करने के लिए परिजनों ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया और उनका साथ दिया। नीति समय समय कोचिंग लेकर इस मुकाम तक पहुंची है। उन्होंने कहा कि यूपीएससी एग्जाम को पास करने के लिए युवा को हार्ड वर्क करते रहना चाहिए और जो गलतियां हो रही हैं उन्हें पहचान कर दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी के लिए हमारी इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।